सुधारगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 26 की कांग्रेस प्रत्याशी मधु बागरेचा के समर्थन में कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल चुनाव प्रभारी डूंगराम गेदर ने चुनावी मीटिंग ली है। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आम लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी मधु बागरेचा के समर्थन में वोट देने की अपील की है। वहीं अधिक से अधिक मतों से उन्हें विजय बनाकर नगर परिषद में भेजने की अपील की। दूसरी ओर मधु बागरेचा ने कहा कि प्रत्येक वार्डवासी के मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा और वार्ड के विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। वहीं मंच पर प्रत्याशी मधु बागरेचा, गोविंद सिलक, विनोद कुमार, सुरेश शर्मा एडवोकेट, संतोष शर्मा, मदनलाल बोदलिया, हनुमानंदर जी, इंद्रचंद सिलक, नौरतन बलजाखड़, नौरतन टोक्सिया, लालचंद जांगिड़, भूपचंद जांगिड़, भवनलाल सिलक आदि लोग मंचस्थ रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद जगह जगह लोगों ने जनसंपर्क अभियान के दौरान माल्यार्पण करके मधु बागरेचा का स्वागत किया। अनेक महिलाओं ने तिलकार्चन किया और हार पहनाकर अभिनंदन किया और घर घर जाकर पार्षद प्रत्याशी मधु बागरेचा ने लोगों से आशीर्वाद के रूप में वोट मांगे। सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन से दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला गया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से निकाले गए मशाल जुलूस में किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो के नारे लगे। वहीं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए लोगों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। दूसरी ओर मशाल जुलूस में प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल, एडवोकेट तिलोक चंद मेघवाल, तेजपाल गोदारा, महबूब भड़गुजर, मोहसिन खान, सुरेंद्र भार्गव, आसिफ राइन, जगदेव बेड़ा, अफजल खान, सोनू खान, बनवारी लाल बिजाणिया एडवोकेट, इमरान खान, बाबू डेविल, अमित जैन, वाहिद खान, असलम खान एडवोकेट, राम कुमार मेघवाल, पिंटू खान, अरशद खान, मोहन लाल मेघवाल, शमसाद अली, रजत चौहान, सलीम खान, सोहेल खान, शकील खान, नूर मोहम्मद खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज हमारा ये मशाल जुलूस से रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था और ये घंटाघर होते हुए गांधी चौक में आकर के समापन हुआ है। ये जो मशाल जुलूस है ये सरकार द्वारा लाए हुए तीनों काले कानूनों के विरोध आक्रोश मशाल जुलूस के रूप में हमने ये जताया है। और आज दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारे किसान भाई, देश के किसान भाई ट्रैक्टर परेड कर रहे थे, हमारे किसान भाइयों को शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड नहीं करने दिया। सरकार ने आज गोलियां चलाई है, सरकार ने आज लाठी चलाई है, सरकार ने आज आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और हमारे किसानों को, देश के किसानों को तंग करने का आज जो प्रयास किया है इससे पूरे देश के किसान आक्रोशित हैं। हाँ, आज हमें एक बात की खुशी भी है कि देश के 72 साल बाद में आज हमारे किसान भाइयों ने इस देश के लाल किले के ऊपर जो झंडा फहराया है, जिस लाल किले को इस देश के वजीर आलम नरेंद्र मोदी ने बेच दिया था, उस लाल किले के ऊपर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो सुबह झंडा फहराया था, उसके बाद में हमारे किसान भाइयों ने वहाँ जो झंडा फहराया है इसी हमें खुशी भी है। और आज इस देश के किसानों ने प्रण लिया है, यहाँ के किसानों ने प्रण लिया है, जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक हमारे किसान हैं वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अगर सरकार गोली चलाती है तो गोली खाने के लिए तैयार हैं, सरकार अगर लाठी चलाती है तो लाठी खाने के लिए तैयार, तो गोले खाने के लिए तैयार हैं। सरकार कोई भी हथकंडा अपना ले, इस देश का किसान अब पीछे हटने वाला नहीं है। इस देश के किसानों ने ये प्रण ले लिया है, जब तक इस देश की तानाशाही सरकार को इस धराशाही नहीं कर देते तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे, चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम कीमत चुकाने के लिए।